आगे कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद से ही देशभर में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे। अब इन्हीं सवालों का जवाब दिल्ली के अस्पतालों ने ढूंढ निकाला है। दिल्ली के अस्पतालों में महिला स्टाफ को दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है, जिससे वो हर खतरे को लेकर बेअसर कर सके। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए मामले के बाद से देश भर में महिला डॉक्टर, नर्स और स्टाफ के मन में खुद की सुरक्षा की चिंता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन महिला पेशेवरों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दे रही हैं। उनमें से कई अपनी लड़ाई लड़ने की तैयारियां भी कर रही हैं। से आई ये तस्वीरें उसी की मिसाल हैं। यहाँ महिला मेडिकल स्टाफ को दिल्ली पुलिस के ट्रेनर एक स्वयं सेवी संस्था के साथ मिलकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बॉक्सिंग से लेकर जूडो, कराटे और स्टेथोस्कोप से लेकर पेन, चाबी, हेयर पिन को सेल्फ डिफेंस के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, महिला मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये तरीका यहाँ बताया जा रहा है। डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी को देवदूत माना जाता है, वो जान बचाते हैं लेकिन कई बार उन्हीं की जान के ऊपर संकट पैदा हो जाता है। खासतौर पर कोलकाता के आरजीकल हॉस्पिटल के बाद इस बात की बेहद जरूरी है कि वो भी अपनी सेल्फ डिफेंस को पुख्ता करके दिखाए। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में देशबंधु हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं और कैसे आम चीजों का इस्तेमाल करके जो लेडी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकती हैं, क्योंकि कई बार परिस्थिति अलग हो जाती है। उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, उनके पास पेन होता है। ज्यादातर लोगों के पास पेन होता है। दिल्ली पुलिस की ट्रेनर यहाँ महिला स्टाफ को बता रही है कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। सिचुएशन ऐसी है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, जो पीछे से तब हमें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, तो हमारी पॉकेट के अंदर या तो चाबी होती है या फिर पेन होता है, तो उसको फास्ट निकाल लेना है। क्या करना है, पॉकेट में हैंड्स और निकाल लेना, पीछे देखते रहना है। जैसे ही वो हैंड्स पकड़े वैसे ही हमने रन लेना, उसके हैंड्स पे यही से खींच के पावर वही चाबी का यही से है पकड़ा। 1 2 4 4 फिर 4 4 नेक्स्ट कहां पे, नेक पे, कहां पे, नेक पे, 4 4 थर्ड 6 पे यही से अक्सर डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप लटका रहता है, लेकिन बुरे वक्त में यही आत्मरक्षा की रस्सी में तब्दील किया जा सकता है। कैसे, यहाँ देखिए। मैंने पेशेंट को परेशान किया, उसकी मौत हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? इसे खिंचा के यही मारेंगे, नेक्स्ट इससे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर बहुत तेज गति के साथ स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया, वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया गया जिसके जरिए डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन उनका बचाव कैसे हो सकता है वो भी करके दिखाया। तो अपने आप में ये एक अनूठी पहल है। इतना ही नहीं, हेयर पिन का इस्तेमाल कैसे आत्मरक्षा के लिए किया जा सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग यहाँ महिला स्टाफ को दी जा रही है। दूसरी, हमारे पास लड़कियों के पास, सभी के पास सेफ्टी पिन, स्क्रैच मारना, हमेशा स्क्रैच मारना, फेस पे, कहीं पे, हैंड्स पे, हमेशा इसको स्क्रैच मारना ही। कोलकाता के अस्पताल में जो घटना घटी है, जरूरी नहीं कि वो हर किसी के साथ हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के सेल्फ डिफेंस की ये ट्रेनिंग महिला स्टाफ को किसी भी स्थिति में खतरे को बेअसर करने के लिए तैयार कर रही है। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ देशा।